काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम जिंदगी भर ईमानदारी से काम करते हैं पर हमें मिलता कुछ नहीं है, बल्कि बेईमान इंसान होता है वो संपत्ति पर संपत्ति इकट्ठा करता रहता है और उसे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है भगवान श्री रामचंद्र जी का और रावण का। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी के एक कहने पर राजपाट छोड़ दिया था और वनवास चले गए थे, और वनवास के दौरान उन्होंने हर छोटे बड़े इंसान को, हर चीज़ को अपनाया, सुख दुख सबको अपनाया। और दूसरा है रावण, जो भगवान शिव का परम भगत था, लेकिन उसने अधर्म के रास्ते पर चला, क्या हुआ उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। ईमानदारी से काम करने वाले इंसान की रक्षा हमेशा भगवान करता है, लेकिन बेईमानी से अर्जित की हुई संपत्ति से कुल का नाश होता है। और ऐसे इंसान को भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता है, भले ही शुरुआत में भले उसे कामयाबी मिले पर अंत उस इंसान का बहुत बुरा होता है। जय सियाराम।